महा कार्टून टीवी। पिज्जा खाने का तो आपको बहुत शौक होगा, लेकिन कभी पिज्जा डिलीवर करने वाले के बारे में सोचा है? क्या पता आपको आपका पसंदीदा खाना खिलाने वाला एक डरावना भूत हो। हर दिन की तरह आज फिर एक बार रोहन घर आते आते लेट हो गया। खाने को घर में कुछ भी नहीं था और ऊपर से काम वाले भी छुट्टी पर थी, जिस वजह से घर में खाना नहीं था। वहीं रोहन को जोरों की भूख लग रही थी कि तभी उसने सोचा, अरे यार अब तो ये रोज की बात हो गई है, ऑफिस से लेट आना और खाना नहीं मिलना, बहुत थक गया हूँ यार, बाहर जाकर खाना भी नहीं चाहता, करूँ तो करूँ क्या। फिर अचानक से जब रोहन पानी पीने के लिए उठा तो उसकी नजर उसके घर के दरवाजे के पास जमीन पर पड़ी। वहाँ उसने पिज्जा डिलीवरी का पर्चा देखा। अरे यार वाह, क्या बात है, सही कहते हैं अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिला ही देती है। क्या बात है, यहाँ तो पिज्जा भी सस्ता मिल रहा है, अब तो पिज्जा यहीं से मंगवाया जाएगा। रोहन ने जल्दी से अपना फोन उठाया और पिज्जा शॉप पर कॉल करके अपना ऑर्डर मंगवाने लगा। हेलो सर, एक्चुअली मुझे एक लार्ज साइज पिज्जा चाहिए। नमस्कार सर, आपको आपका पिज्जा 15 मिनट में मिल जाएगा, आप बस अपना एड्रेस बता दीजिए। रोहन ने कॉल पर सुना कि पिज्जा की डिलीवरी सिर्फ 15 मिनट में मिल जाएगी, जिसे सुनकर वो थोड़ा हैरान हो गया और उसने फोन पर पूछा, जी एड्रेस नोट कीजिए आप, पर एक बात तो बताओ, जितना मैंने देखा है पिज्जा की डिलीवरी आधे घंटे तक होती है, पर तुम 15 मिनट पहले ही डिलीवरी दे रहे हो, ऐसा क्यों? जब रोहन ने सवाल पूछा तो सामने से कोई जवाब नहीं आया। ये सुनकर रोहन को थोड़ा सा अजीब लगा, पर उसने बात टाल दी। चलो छोड़ो, वैसे भी मुझे क्या करना, मेरा तो फायदा ही है, 15 मिनट में पिज्जा मिलना, कमाल का ऑफर है और आज भूखा भी नहीं सोना पड़ेगा। रोहन पिज्जा डिलीवरी के बाद अपने ऑर्डर का इंतजार करने लगा। कुछ समय का इंतजार करने के बाद तभी अचानक से दरवाजे पर घंटी बजी, जिसकी आवाज सुनने के बाद रोहन ने दरवाजा खोला तो पिज्जा डिलीवरी बॉय वहां खड़ा था। सर ये लीजिए आपका गर्मा गर्म लार्ज साइज पिज्जा। थैंक यू, कितने हुए इसके? अरे नहीं नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? ये कहते हुए वो डिलीवरी बॉय रोहन की तरफ बढ़ने लगा और उसने तभी अपना रूप बदल लिया। उस डिलीवरी बॉय का रूप इतना भयानक था कि रोहन बहुत डर गया और देखते ही देखते डिलीवरी बॉय ने रोहन को मार डाला। दरअसल वो पिज्जा डिलीवरी वाला एक भूत था। वो पिज्जा की डिलीवरी करने के बहाने अपना शिकार ढूंढता और उसे मार डालता। इस बार उसने रोहन को अपना शिकार बनाया। रोहन को मारने के बाद अब उस डिलीवरी बॉय को एक नए शिकार की तलाश थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन डिलीवरी बॉय को अपना कोई शिकार नहीं मिला। पर एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ। एक दिन स्नेहा नाम की लड़की एक पीजी में रहने आई और वो पीजी की मालकिन से कुछ बात कर रही थी। हेलो आंटी, मैं स्नेहा, मैं यहाँ आपके पीजी में रहने के लिए आई हूँ, आपसे मेरी बात हुई थी इस बारे में। हाँ हाँ बेटे, मुझे याद है, आओ अंदर आओ। हाँ जी आंटी। अरे बेटी, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं आंटी जी, कोई परेशानी नहीं हुई। आंटी जी ये लीजिए एडवांस किराया। थैंक यू बेटी, आओ बैठो, मैं पानी लाती हूँ। स्नेहा पानी पीकर पीजी की मालकिन के साथ अपना कमरा देखने चली गई। इसके बाद वो अपना सारा सामान रखकर मालकिन के साथ किचन में गई। बेटे ये किचन है, तुम यहाँ अपना खाना बना लेना, ठीक है? मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ ना। इसीलिए मेरी बेटी ने मेरे लिए टिफिन लगवाया हुआ है। कहो
कहो तो मैं तुम्हारे लिए टिफिन वाले से बात कर लूं। अरे नहीं आंटी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आप चिंता ना करें, मैं खुद खाना बना लूंगी। ठीक है बेटी, कुछ और चाहिए हो तो बता देना है। हाँ जी आंटी जी, मैं बता दूंगी। और ये बात करके दोनों किचन से चले गए। पीजी में आए हुए स्नेहा को अब एक हफ्ता हो गया था और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। वो रोज ऑफिस से आती और खाना खाने से पहले प्रार्थना करती, फिर खाना खाती। लेकिन एक दिन स्नेहा ऑफिस से आते हुए लेट हो गई और उसने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया। लेकिन वो पीजी की मालकिन को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। यही सब सोचकर वो परेशान होने लगी और तभी उसको घर के दरवाजे के पास एक पर्चा दिखाई दिया। वो पर्चा पिज्जा डिलीवरी का पर्चा था, जिससे रोहन ने भी पिज्जा ऑर्डर करवाया था। स्नेहा ने पर्चे पर लिखे हुए नंबर पर कॉल किया। हाँ जी मैम, क्या चाहिए आपको? हाँ जी सर, मुझे एक मीडियम साइज पिज्जा चाहिए और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी। ओके मैम, आपका एड्रेस? आप जरा एड्रेस लिखिए। स्नेहा ने अपना एड्रेस बता दिया। मैम, आपका ऑर्डर 15 मिनट में पहुंच जाएगा। कॉल कटने के बाद पिज्जा डिलीवरी वाले की बात सुनकर स्नेहा थोड़ा हैरान हो गई। अरे ये तो बहुत ही सही हुआ, इतना सस्ता पिज्जा ऊपर से इतनी जल्दी मिल रहा है, आजकल के टाइम पर तो बहुत ही सही डील है। ये बोलते हुए स्नेहा अपने कमरे में चली गई और हर दिन की तरह प्रार्थना करने लगी। तभी पीजी की घंटी बजी। उसकी आवाज सुनने के बाद वो दरवाजा खोलने के लिए उठी तो पिज्जा डिलीवरी बॉय वहाँ खड़ा था। ये लीजिए मैम, आपका मीडियम साइज पिज्जा विद कोल्ड ड्रिंक। हाँ जी सर, कितने हुए इसके? इसकी कोई जरूरत नहीं है मैडम जी। यही कहते हुए वो डिलीवरी बॉय स्नेहा की तरफ पढ़ने लगा और उसने अपना रूप बदल लिया। उस डिलीवरी बॉय का रूप इतना भयानक था कि स्नेहा बहुत डर गई। तभी उसने स्नेहा पर हमला कर दिया। लेकिन तभी उसने स्नेहा के गले में जीसस क्राइस्ट के लॉकेट को छू लिया और वो भूत बहुत दूर जाकर गिरा। अभी तो तू बच गई, लेकिन मैं तुझे मारने वापस जरूर आऊंगा। ये कहकर वो पिज्जा डिलीवरी वाला भूत वहां से भाग गया। वहीं अपने साथ हादसा होने के बाद स्नेहा बहुत डर गई और आने वाली सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही वो पादरी के पास गई और खुद के साथ हुए उस भयानक हादसे के बारे में पादरी को सब कुछ बताने लगी। ये सुनने के बाद पादरी बोला, डोंट वरी स्नेहा, जीसस पर विश्वास रखो, वो सब ठीक कर देंगे। बस तुम सावधान रहना और अपने गले से ये लॉकेट मत निकालना, क्योंकि वो जरूर आएगा, बस तुम अपना ध्यान रखना। थैंक यू फादर। बाकी तुम्हारे घर को पवित्र पानी से मैं शुद्ध करने जरूर आऊंगा। ओके फादर। अपने साथ हुए हादसे की बात फादर को बताकर स्नेहा वहां से चली गई। काफी दिन हो गए थे, लेकिन उस पिज्जा डिलीवरी वाले भूत का कुछ अता पता नहीं था। लगता है पिज्जा डिलीवरी वाला भूत डर गया है, अब वो यहाँ नहीं आएगा। कि तभी अचानक से स्नेहा की सहेली का फोन आया और कहा कि वो उससे मिलने आ रही है। कॉल पर अपनी दोस्त से बात करने के बाद वो पता नहीं क्यों लॉकेट निकाल कर नहाने चली गई। स्नेहा जब नहा कर आई तो उसने ड्राइंग रूम में अपनी सहेली रश्मि को खड़ा पाया। ये देखकर वो थोड़ा हैरान हो गई। अरे रश्मि, तुम तो बहुत जल्दी आ गई। हाँ, आज ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया था ना। ऑफिस आज? आज तो संडे है, छुट्टी नहीं थी तुम्हें? स्नेहा कुछ और बोल पाती इससे पहले ही रश्मि का रंग बदलने लगा और वो वही पिज्जा डिलीवरी वाला भूत बन गई। लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही पिज्जा डिलीवरी वाला भूत हूँ। जो उस दिन
तुम्हें मारने आया था। उस दिन तो तुम बच गई, लेकिन आज आज नहीं बच पाओगी। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? स्नेहा डर से कांपने लगी, क्योंकि अब उसका लॉकेट भी उसके गले में नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, और वहीं पिज्जा डिलीवरी वाला भूत उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही भूत उसकी ओर बढ़ा, इतने में पीछे से वहां पादरी आ गए और उन्होंने पवित्र मंत्र पढ़कर उस डिलीवरी बॉय की ताकत को कम करने की कोशिश की। ए पादरी, ये तू क्या कर रहा है? बंद कर मंत्र पढ़ना और चला जा यहाँ से, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। चुप हो जा, अब तेरा खेल खत्म। छोड़ दे इस लड़की को, इस लड़की की कोई गलती नहीं है। मैं इसको मार कर ही दम लूंगा। कुछ करिए फादर, प्लीज कुछ करिए। ऐसा क्या हुआ है तेरे साथ जो तू इस लड़की को परेशान कर रहा है? जैसे ही पादरी ने ये बात बोली तो वो डिलीवरी बॉय एकदम शांत हो गया। सुनना चाहते हो कि मेरे साथ क्या हुआ? तो सुनो, एक दिन की बात है, रोज की तरह मैं पिज्जा डिलीवरी कर रहा था। रात का समय था और मुझे मेरे मालिक का फोन आया कि मुझे उस दिन की आखिरी डिलीवरी देनी है। मैं उसी एड्रेस के पास ही डिलीवरी देने जा रहा था, पर क्या? पर ये किसे पता था कि वो रात मेरी आखिरी रात होगी। जब मैं उस दिन की अपनी आखिरी डिलीवरी देने गया तो एक लड़के ने दरवाजा खोला और उसने सारे पिज्जा ले लिए। पर जब मैंने उससे पैसे मांगे तो वह मुझे मारने लगा और उसके सारे दोस्त भी मुझे पीटने लग गए। उन्होंने मुझे इतना मारा कि वहीं मेरी मौत हो गई। और उसके बाद उन लड़कों ने मुझे सड़क पर फेंक दिया। उस दिन के बाद से ही अपना बदला लेने के लिए मैं हर बैचलर को अपना शिकार बनाता हूँ। देख, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर इस लड़की ने कुछ नहीं किया। इसको छोड़ दे, मैं तुझे मुक्ति दिलवाऊंगा। फादर ने जब डिलीवरी बॉय से मुक्ति की बात की तो डिलीवरी बॉय को राहत की सांस आई, और देखते ही देखते फादर ने उसे मुक्त कर दिया। और इस तरह स्नेहा और कई बैचलर्स की जान बच गई। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।